हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, संडे मींस फंडे। और हमारा आज का प्लान है, मतलब सुबह का टाइम तो हमने खा लिए परांठे, और इवनिंग में मतलब डे टाइम में हमारा बन गया है कि आज हम मूवी देखने चलते, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम गए नहीं हैं साथ में ऐसे मूवी देखने। तो आज हमारा प्लान है कि हम मूवी देखने जाते हैं कहीं, और हमारा शो है 4 बजे का, मतलब 4:05 पे है, और हम निकलेंगे यहाँ से 3 बजे, और अभी बज रहे हैं 1। और इस भरी गर्मी में मैं बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे, मतलब जैसे आजकल रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो रेनी सीज़न में मेरे रफ जैसे हो जाते हैं, मतलब वो फूले फूले जैसे हो जाते हैं बाल, रफ भी नहीं पर वो उड़े उड़े से, तो मैं हल्का हल्का स्ट्रेट कर रही हूँ। वैसे तो मेरे स्ट्रेट ही है बाल, इतना ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, नेचुरली मेरे काफ़ी स्ट्रेट है। सो बाल स्ट्रेट करने के बाद पहले करते हैं मेकअप। सबसे पहले हम पोर्स को ब्लर कर देंगे, वो होता है प्राइमर से। तो फाउंडेशन लगाने से पहले हम यूज करेंगे प्राइमर, मामा अर्थ का ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर। इसका लाइट वेट और नॉन ग्रीसी फॉर्मूला ब्लर करता है पोर्स को। आज मैं सोच रही थी कि यार कोई मुझे ऐसा फाउंडेशन चाहिए जिसका स्टे भी अच्छा हो, क्योंकि आज हम पूरा दिन बाहर होने वाले हैं, साथ ही साथ मुझे फ्लॉलेस मेकअप भी दे, अनइवन स्किन टोन ना दे, मतलब सारे जैसे अंडर आई पफिनेस एंड ऑल को कवर कर दे, मतलब अच्छी कवरेज हो जिसकी। मैं यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन। मेरा शेड है 01 आइवरी ग्लो, और ये 6 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। इसमें है टर्मरिक एंड विटामिन सी, जो देता है 3x तक इंस्टेंट ग्लो और 12 आवर्स का हाइड्रेटिंग स्टे। सबसे अच्छी बात, ये मेड सेफ सर्टिफाइड एंड टॉक्सिन फ्री है। सो हियर इज द फाइनल आउटपुट। इस छोटे से प्रोडक्ट से इतनी अच्छा आउटपुट निकल के आ रही है। अगर आप लोग भी इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो ये आपको इजीली मिल जाएगा Amazon, Flipkart, Nykaa और पर्पल पर। लेकिन अब आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके नजदीकी स्टोर्स पर। तो जब भी आपको नजदीकी स्टोर्स पर मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मिले तो आप मुझे कॉमेंट या मैसेज जरूर कीजिएगा। और हाँ, 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मामा अर्थ की ऐप या वेबसाइट पर, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। फटाफट से मैं रेडी हो लेती हूँ, बस ड्रेस चेंज करना है, मेकअप तो हो ही चुका है। हर बार हम लेट हो जाते हैं मूवी के लिए, तो फिर मिलती हूँ आपसे 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको 3 बजे तक निकलना है, तो इट्स पौने तीन, इट्स 2:45 एंड वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, जो है हमारी अभी पांवटा साहिब, और उसे यहाँ से लगेंगे हमें 45 मिनट्स to 50 मिनट्स ग्रैब। तो हमारे को फिर भी 15 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा है अपने पास, पर उतनी देर में हम कुछ खाने का ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है। तो लंच के लिए हम सोच रहे हैं नाचोस, क्योंकि मेरे वो हस्बैंड जी के फेवरेट है, लेकिन इन्होंने ही कहा कि लंच पे चलते हैं आज कहीं, मतलब लंच पे नहीं, सॉरी डेट पे चलते हैं, और उसके बाद देखो खाने का भी मैंने कर दिया एकदम से जुगाड़ साथ के साथ। मूवी पे चलते हैं बोला हस्बैंड ने, मूवी पे चलते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिसाइड। हाँ, उसके बाद हम शायद डिनर पे भी चले जाए। और मेरा मेकअप यार, एक तो नेल्स की वजह से मेकअप भी ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि मैं करती हूँ ना हाथों से अपने, क्योंकि मुझे आता नहीं है ना। अब चल पड़ो फिर तुम। हाँ चलो, नीचे फुटवेयर। शुभम ने कहा कि मैं गाड़ी में वेट करता हूँ और तू आ जा, तो मुझे 5 से 10 मिनट लग गए थे, और शुभम ने भी शॉर्ट ले ही रहे कि देखता मारा नहीं रहा, टाइम लगा दिया, मतलब क्योंकि मेरे हेयर स्टाइल बनाने को था। और मैं पर्स का डिसाइड कर रही थी कि आज कौन सा पर्स कैरी करूँ। यार मुझे लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं डिसाइड कर रही थी कि पर्स कौन सा कैरी करूँ। तो चल जा रहे हैं जट एंड जूलियट 3 देखने, जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है, और मैं डाई हार्ट फैन हूँ दिलजीत की, और इतना पसंद है कि हमने जट एंड जूलियट 2 के तो सारे डायलॉग्स रट दिए हैं। कॉमन फेवरेट, मतलब फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है जट एंड जूलियट 2। मेरा गुची, मेरा मूची, बीजी होना, चल रखनी फोन बीजी होना, क्योंकि यही डायलॉग मारा करती, मेरा पुत स्पेक्टर लग गया होया, याद है जब हम रिलेशनशिप में थे। तो तूने भी देखी है, मतलब स्टार्टिंग में कि तूने भी देखी है वाली मूवी, मैं कहा मेरी फेवरेट मूवी है, याद है ये हुई थी, हमने भी इकट्ठे बैठ के देखी। हाँ, टाइम क्या हुआ, 3:59 पूरे टाइम पे पहुंचे हम। चलो पहली बार, मतलब हम टाइम पे पहुंचे, टाइम से भी पहले पहुंचे, और ये एक्सपीरियंस अलग ही है, क्योंकि अभी कुछ नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, नो सिग्नल आ रहा है। जूलियट जट दी नी तेरे तो निगाह हट दी नी, हाय जट्टी है पंजाब दी है। ओ
इतना बहाव पानी का, जैसे मूवी से निकले एकदम से शोर सुनाई दिया और इतना ज्यादा पानी है, शायद बारिश ही होगी। सो मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई क्योंकि दिलजीत की एक्टिंग वॉज ऑन टॉप और जो कॉमेडी और सब कुछ था वो बहुत ही बढ़िया था। दिलजीत तो अकेला ही काफी लगता है, अकेला ही काफी है भाई मूवी मूवी अकेले सिंगल मैन खींचने के लिए आदमी एनर्जी लेवल कसम से जो हंसी है ना जैसे और जो आपस में बात करते ना अकेले ही। सो अभी हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम डिनर भी बाहर ही करते हैं क्योंकि जब आए घूमने तो मैं कहा आराम से डिनर डोनर करके, और थोड़ा सा हमको सामान भी लेना था कहीं से, मतलब तो हमारा सामान रखवाया है, लहसुन मैंने मंगवा रखा था कहीं से तो वो भी हमें पिक करना है, तो बस वो सब लेकर फिर निकलेंगे हम लोग डिनर करने के बाद। आज फिर लेट ही हो जाएगा, मतलब 9-10 बज जाएंगे हमें। शादी करने के रीजन हजार थे, एक गिना दो। तुम खाना बहुत अच्छा बनाती थी। नहीं नहीं, तुम अभी ऑफ कैमरा कुछ बोलने लगे थे, वो ही रीजन जानना मुझे शादी करने का कारण। हाँ। तुम यार यू आर माय प्राइड, तुम्हारे साथ रहने में को मजा आता था। हाँ, था ना, अब नहीं आता ना। नहीं नहीं, वो तो होता है दिल की बात, तुम वहाँ पे आते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई, मैं दोस्त हूँ, दोस्त समझ में नहीं, दोस्त दोस्त नहीं, वो ये दोस्त रियलिटी इज रियल। मैं को वो लड़की कोई ज्यादा पसंद नहीं थी जिनके साथ मतलब मैं जा रहा हूँ और मेरे को हर टाइम अटेंटिव रहना पड़ेगा, हर टाइम केयरफुल रहना पड़ेगा, हर बार जुगाड़ करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। फिर तुम में मैंने ये चीजें देखी कि तुम कर सकती हो, तो मैंने सोचा 75% तुम कर लोगी तो 25% मैं भी कर ही लूंगा कुछ ना कुछ। तो इससे नहीं, 90 करती हूं मैं, 75 नहीं, 90 रख लो, कोई बात नहीं, इसमें क्या है यार, मैनेज ठीक है, ये दूसरी क्वालिटी है तुम्हारी, तुम अच्छी मैनेजमेंट थी तुम्हारी, तो इसलिए पहली हो गई खाना, दूसरी मैनेजमेंट हो गई, प्यार तो था ही तुमसे, तो तीन वो हो गई, और सुंदर भी थी तुम, चार वो हो गई। थी कर रहे हो तुम हर चीज में थी। तो शादी क्यों करी थी बोला तो मैंने वही बोला, करी थी शादी क्यों करी थी तुम, वो शब्दों का जोर मोल ना करो मेरे नाल, रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। हम डिनर करने आए थे लेकिन यहाँ पे लाइव म्यूजिक जो कि बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी हम आए थे लेक व्यू जहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, उसके बाद अभी जाके आ रहे हैं। इतनी देर से महाशय गायब थे कहीं, मुझे छोड़ के चले गए थे, आते अटैक खाने पे ना। A few moments later. अभी हम डिनर डिनर करके बस निकल रहे हैं, ऑलरेडी इट्स 10 कितना, हाँ 10 बज चुके हैं और बस निकल ही रहे हैं, पर हमें रास्ते से सामान पिक करना था, तो जैसा मैंने आपको बताया था तो वो अभी पहुंच चुका है, बस वो उठाएंगे और फिर घर निकल जाएंगे डायरेक्ट, और बस घर जाके सोना है क्योंकि कल तो मॉर्निंग में, कल तो मंडे है और मंडे मीन्स हेक्टिक डे, वर्क डे है, तो शुभम को ऑफिस भी जाना है कल, तो वो सब बस घर पहुंचते हैं। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। लोग भी सोचोगे कि ये हर बारी बैग उठा के ले, मतलब हर बारी लग जाती है आपको अपडेट देने, लेकिन मैं क्या करूं, लाइफ ही कुछ ऐसी चल रही है कुछ टाइम से, और आज वैसे अभी हफ्ता ही हुआ था हमें घर से आए हुए, और अभी हमें फिर से जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो मासी का बेटा और बहू है उनका एक्सीडेंट हो गया था, मतलब 2 दिन पहले परसों, तो वो बिलासपुर वाले एम्स में एडमिट है, तो वैसे ही बस हम भैया भाभी को देखने भी जा रहे हैं, और इस बहाने हमारा घर जाना भी हो जाएगा फिर से। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आज की रात भाभी के पास, मतलब आज भी उनको छुट्टी नहीं होने वाली, तो हॉस्पिटल में तो ज़रूरत होती है, तो हमने ही बोला कि हम आते हैं, और वैसे भी हमारा घर है तो भैया को भी ऐसा होगा कि घर शुभम ले जाके रेस्ट तो करवा सकते हैं एटलीस्ट, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस। और अभी देखो मौसम का अपडेट ये है कि मौसम हो चुका है ख़राब, और बारिश में ही चल रही हूँ, और शुभम को कहा था मैं, कहा तुम ऑफिस जाओ
फिर वैसे तो शुभम ने बोला था क्योंकि मैं रात को बहुत परेशान हो गई थी कि तुझे रात में ही छोड़ आता हूँ। मैं कहा नहीं, इतना ज़्यादा ट्रैवल हो जाना था फिर शुभम को भी और अगले दिन ऑफिस। वैसे अभी कल और परसों वैसे ही छुट्टी है, कल और परसों वैसे ही छुट्टी है, तो फिर हमने सोचा कि हम चले जाते हैं। देखो यार बारिश भी लग पड़ी और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा आधा रास्ता तक पैदल चली जाऊँगी और यहीं कोई शुभम को बुलाऊँगी, लेकिन अब लग रहा है नीचे तक ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज़ ही हो रही है। तो ये आ गए शुभम भी। सो गाइस, निकलते निकलते हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और टाइम हो चुका है 3:30। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और हमने लंच नहीं किया है, मतलब शुभम के लिए मैं परांठियां लाई थी घर से ही बना के, तो वो शुभम ने खा ली है, स्टार्टिंग में खा ली थी मोटू ने, और अभी मैं भी कुछ खाऊंगी, मतलब हम दोनों ही कुछ खाएंगे अब सुबह खाते हैं क्योंकि काफी टाइम से खाया भी नहीं है। लेकिन एक बारी बस ये चंडीगढ़ का ट्रैफिक क्रॉस हो जाए और ये पीक आवर्स है अभी, अल्टीमेट पीक आवर्स जिस टाइम पे मतलब स्कूल्स की भी छुट्टी वगैरह होती है, तो ये एक बारी क्रॉस हो गया फिर तो आगे 2 घंटे ही लगेंगे मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचने में। डायरेक्ट हम एम्स ही जाएंगे अभी पहले। नॉर्मल कर दो मल्टीग्रेन हनी ऑट। तो रास्ते में हमें लग गई बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि अब लंच का टाइम भी निकल रहा था, तो हमने सोचा कि अब सब खा लेते हैं क्योंकि हेल्दी है, तो अपने मन का तसल्ली वाला हेल्दी है ये। ऑल सॉसेस मेरे को भी यही लेनी है फिर, सब मेरे को वही लेनी है, हमने सेम लेनी है, सेम खानी है, तो मुश्किल है, दोनों ट्राई हो जाएगी इसी बात में। चलो ठीक है, एक ये कराते हैं और एक वो कराते हैं। तो सब्वे खाने के बाद आइसक्रीम देखो कितनी टेस्टी है, बस देखना ही है, देखने को बोला, खाने को नहीं, लेने को नहीं बोला। सफर में शुभम ने अपना गंदा सा रैप सुना के मुझे इतना बोर कर रखा है, मतलब रैप की एक लाइन मुझे याद आई, हट जा मेरी जान मुझे जाना है बहुत दूर क्योंकि मैं हूँ बहुत मजबूर। ये तो मैंने बोला तुमने कुछ ऐसा ही, क्योंकि शुभम के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और कार प्ले के साथ कनेक्ट, मतलब जैसे कार प्ले चल रहा था इसमें, तो वो सारी बैटरी ड्रेन कर देता है शुभम के फोन की, और उसकी वजह से शुभम अभी बोर हो रहे थे और मैं बना रही थी थंबनेल, मैं बिल्कुल शांत बैठी थी क्योंकि मेरे को शांति में काम करने की आदत है, और इतनी देर में जो शुभम ने अपना गंदा सा रैप सुनाया है ना, मतलब यार एंटरटेनिंग तो था, देखो गंदा तो नहीं था, नाखून की बलि चढ़ चुकी है, मतलब पहन ही रही थी और वो निकल गया खुद से ही, पर ये भी बाकी भी अब तो निकलने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल ही दूंगी, दुख दर्द पीड़ा सबका एहसास हो गया आज ही मुझे, इतने दर्द तो नहीं हुई इसमें लेकिन फिर भी बुरा लगता है मुझे अगर एक भी नाखून निकला, और अगर एक भी निकलता तो मैं सारे निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि एक निकला हो और बाकी हो, और रखने तो पूरे नेल्स होने चाहिए वरना हो ही ना नेल्स, मेरा तो ये है फिक्स्ड। तो हम लोग पहुंच गए हैं और इस वक्त बज चुके हैं 6:30 और ये देखो सर का द्वार, सच में ही लग रहा है ऐसा, यहाँ पे तो सच में कोई खज्जल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इतना मुश्किल है ढूंढना, मतलब पैदल तो यहाँ आ ही नहीं सकते पहली बात तो। जाओ फिर अब लस्सी ले आना, कल लस्सी पी लेंगे, लस्सी ले आना कल, ठीक है फिर बाय बाय। The next day शुभम को भेज दिया था हमने और मैं यहाँ पे भाभी के पास रुक गई थी, इसलिए मतलब रात को हम लेट ही हो गए थे, तो फिर मैं कोई अपडेट आपको भी नहीं दे पाई। तो मौसम का कुछ ताज़ा अपडेट ये है कि आज रात में शायद बारिश हुई है, गीला गीला सा लग रहा है सारे स्टेयर्स भी, और थोड़ी बारिश की जैसे सुगंध होती है वैसे आ रही है, ब्लड टेस्ट हुए जा रहे हैं उनके, तो उसी के लिए सैंपल लिया है, तो उसको ही देने जा रही हूँ। और ये देखो सुबह का नज़ारा ऐसा है कुछ, वैसे आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि कल भैया ने मुझे सिर्फ एक बार ये रास्ता बताया था, मतलब जहाँ पे भाभी एडमिट है वहाँ से जो जहाँ पे मतलब ये रिसिप्ट वगैरह कटती है, तो वो काफ़ी दूर था और वॉकिंग में इनसाइड से ही गलियों से मतलब वैसे था रास्ता, लेकिन एक बार ही बताया था, और आज मैं सुबह भी अकेले आई थी
और अभी सेकंड टाइम आ रही हूँ, अब तो मैं प्रो हो गई, अब तो आंखें बंद करके भी चलूँगी तो भी बहुत बढ़िया से मुझे पता लगता है यहाँ पे सब कुछ ही। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो यहाँ पे पता नहीं कितने टाइम से हूँ, जबकि मैं कल ही आई हूँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मतलब यहाँ एम्स में। तो सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम चल पड़े हैं फिर से हॉस्पिटल, और अभी मुझे मम्मी की कॉल आई थी, वो लोग भी पहुँच गए, मम्मी और रजत। हमें भी 5 ही मिनट लगेंगे यहाँ से, 7 मिनट ही लगते हैं। हाय सब्सक्राइबर्स बोल दो, तो पीछे से हाय कैमरा कैमरा हेलो कैमरा कैमरा फ्रेंडली पीपल कैमरा डू यू फील मी या वी फील यू या वी बोथ सो फनी वी बोथ फील ज्यादा फीला फीली मत करो ओके वी बोथ फील फॉर ईच अदर। मतलब मैं जा रही हूँ ऐसी बन के ऐसे बिल्कुल कि जैसे सोई भी नहीं हूँ रातों से, कई रातों से, और यहाँ पे हीरोगिरी झाड़ने को शुभम। आज मम्मी मेरे लिए वो वाला सूट भी लाए हैं जो मेरे को मम्मी बैंगलोर से लाए हैं। मम्मी बोल रही तू दिल थाम के बैठना, मैं अब दिल थाम के हूँ। बाय बाय, आराम से जाना और फोन करते रहना पहुँच के, ठीक है? आराम आराम से जाना, बाय। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे, और परसों आए थे मम्मी और रजत हमारे मतलब यहाँ भैया भाभी को देखने, और अब मैं और शुभम भी वापस निकल रहे हैं, मतलब शुभम भी जस्ट मुझे पिक कर रहे हैं यहाँ से, और फिर हम निकल जाएंगे। मतलब ये जो पॉइंट है एक जो चंडीगढ़ के लिए निकलता है, तो बस अभी आ रही है शुभम की भी गाड़ी, तो हम निकल जाएंगे अब वापस नाहन वाया चंडीगढ़ होते हुए। और अब भैया भाभी बेटर है पहले से, और होपफुली आज शायद छुट्टी भी हो जाए भाभी को, मतलब उम्मीद तो यही है। कल डॉक्टर से बात हुई थी तो कहा था डॉक्टर ने कि हाँ शायद मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल कर देंगे छुट्टी, बाकी लेट्स सी क्या बोलते हैं डॉक्टर। और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, और आज शुभम ने भी ऑफिस जाना है, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट तो हम रास्ते में ही करेंगे। मैं शुभम को एक अपनी पुरानी जगह लेकर आई हूँ, जब हम मैं मतलब यहाँ पे कोचिंग ले रही थी तो यहीं 15 के पास में, मतलब 15 सेक्टर से मैंने कोचिंग ली थी, और 15 के पास में ही 16 सेक्टर में एक जगह बहुत फेमस है जहाँ के परांठे बहुत फेमस है, तो मतलब ऐसे ही लगाते हैं वो, इतने से उसमें लगाते हैं, लेकिन इतने बढ़िया परांठे हैं ये, आज दिन तक के मैंने ये टेस्ट मैं भूल ही नहीं पाई हूँ आज भी। तो ये परांठे खाने हम आ जाते थे कभी कभी, तो ये बेस्ट परांठा है यहाँ पे पूरे चंडीगढ़ में, और इतना रीजनेबल रेट में। टाइम बच सके इसलिए हम गाड़ी में ही खा रहे हैं। सासू माम ने भी दिए थे परांठे पैक करके, तो वो भी हमने पहले थोड़े से आधे रास्ते में खा लिए थे, और एक बच गया उसमें से भी, वो मैं घर जाके खाऊंगी, और ये वाले परांठे टेस्ट करवाए जाऊँगा कैसे लगे तुम्हें। बस हम नान से थोड़ा ही पीछे थे, और मुझे आम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये लो भैया, थैंक यू, बाय बाय। अब होंगे आम के आम और गुटलियों के दाम। हाँ, आम देख के तो मेरे को इतनी नींद आ रही थी, ऐसे ऐसे सो रही थी मैं, और जैसे ही हमने बोला ले तेरे आम, और मैं एकदम हाँ कहा। तो नाहन पहुँचते ही हमें कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला है, मतलब ये लग नहीं रहा है कि नाहन है, ये लग रहा है दूसरा शिमला है। देखो गाइस, ये थोड़ी थोड़ी आपको शिमला की अनुभूति कराएगा, अभी चुगान तो नजर नहीं आ रहा, चुगान ही नहीं है, सारे धुंध 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 धुंधला गई है मंजिल। एक तो शुभम के अंदर का, एक तो आज मेरे हस्बैंड के अंदर का जो सिंगर है वो जाग गया है, और ये देखो चुगान। पूछो ना मुझसे कहानी, पूछो ना मुझसे कहानी, तुम मेरे को बेसुर का बेसुर बना रहे हो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे को, तुम वैसे कहो गाने दो, मैं पहले लाइन गाऊंगी, तुम भी वही लाइन वैसी गाना, फिर पूछो ना मुझसे कहानी।